रणविजय, इतना जल्दी मत दिखाओ इसको। इस घर में तुम्हारे बाबूजी लाए हैं, ये मत भूलो। गंगिया, इसको कमरे में ले जा, देख कर रही, जल्दी कर। रणविजय, तू ठंडे दिमाग से सोच। सोच समझ के कुछ नहीं होगा अब। और अगर अभी नहीं तो सवेरा होते होते सजा दी जाएगी, सजा जरूर दी जाएगी। देखते हैं कौन रोकता है हमको। इसे घर का है रे। बाहर गए। जब सब लोग सोए हुए थे तबे गए, और तभी तूने देखा कि भगवान पर इतना गहना चढ़ाया गया है। रखवाला कौनु है नहीं, और तेरी लार टपक गई। सत्यानाश का रे, तेरा खुपरिया का सब गर्मी ना अब शांत हो जाएगी। ए, महल में रहने का सपना कैद खाने से रहने से भी बदतर हो जाएगा। कारे, हाँ, हमरे सामने बहुत ही महारानियों जैसे नखरात कर रहे थे, रसोई तक पहुंच गई। तुम इस घर की बहू नहीं रखे, हाँ? और ये बात हम तुमको रोज याद दिलाएंगे। इंसान दिख रहा है ना, बस हम तुमको इतना कर देंगे, इतना कर देंगे कि अपना सब निशान भूल जाए। छोटे ठाकुर, अब तक तो बहुत दूर निकल गए होंगे। अरे, गाड़ी इतनी तेज काहे चला रहे हो, धीरे चलाओ। इसलिए सिद्धेश्वरी की आज हम जिंदगी में पहली बार इतना खुश है। तुमको मजा नहीं आ रहा है कि हम पहली बार अपनी एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं? अब ना तो एहसान भरी सांसें होंगी और ना ही उधार की जिंदगी। अब हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए। सोचे होगे तो ठीक ही होगा, लेकिन हम वहां जाके मतलब। अरे अब फालतू की फिक्र छोड़ो ना, मजा लो आजादी का। खुश नहीं होगा कैद खाने से बाहर निकलकर? हाँ, वो कोठरिया कितनी गंदी थी ना। हम कोठरिया की कहाँ बात कर रहे हैं, अब हवेली की बात कर रहे हैं। तू भी किसी जेल से कम नहीं थी, जहाँ पर खुद का भी खुद पर बस ना हो। दम घुटता था वहाँ। हम तो सोचते थे
कि हमरा भाग वाली किताब पर बिना कुछ लिखे ही भगवान हमको ही धरती पर भेज दिया। लेकिन इतना जबरदस्त तरीके से भाग अपना खेल दिखाएगा ये नहीं सोचे थे। सब कुछ हमरे हाथ में लाए के रख दिया। हाँ, एक कई झटके में वो चिरैया का डर अपनी जिंदगी से बाहर। बाबूजी भी यहां नहीं है जो दोस्त हैं। पंच भी यही चाहते हैं कि अगर वो चिरैया ने गुनाह किया है तो ओकरे को सजा मिलनी चाहिए। हम तो यही सोच के परेशान हो रहे हैं कि वो चिरैया के लिए सबसे मजेदार सजा क्या होगी। सत्यानाश, अरे वो मंदिर का गहना तो पुराने जमाने का था ना। अरे आपके पुरखों का तो सजा भी ऐसे ही होने चाहिए हाँ? ताकि आपके पुरखों के आत्मा को शांति मिले। कांबर तो लाए हो ना, वहां जाकर कम तो नहीं पड़ जाएगा। अरे वो सब ये समय मत सोचो ना, बस ये सोचो कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। आगे जाके एक बड़ी सी सड़क मिलेगी और वहां से सीधा पटना। हम तो बहुत ही थक गए हैं, रात में कहीं रुक नहीं सकते। अरे इस समय कहाँ रुकेंगे सिद्धेश्वरी। अरे कोई कोई होटल वोटल होगा ना, वैसे भी हमको ना बहुत ही भूख लगी है। अरे आओ तो बहुत मस्त खाना मिलता है यहाँ। अरे यहाँ बैठो। सुनो, रात को रहने के लिए यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा का? अरे है ना होटल, एकरा पीछे बहुत ही बढ़िया है, चाहिए का? वो कैसा है कमरा? वहाँ सीसा वीसा ड्रेसिंग टेबल तो है ना? सबके लिए अमृत नहीं बना है, कुछ को तो जहर भी पीना पड़ता है। बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो इसका इस्तेमाल करना। इस जहर का असर कभी कभी बेकार नहीं जाता।